तू ठुलंत है मेरे शौन अनंत है मेरे प्यार, तू पेश तमर सामन आज विशेष। आज में रीति रिवाज में रंग कल्चर में शादी ब्याह कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, क्या पहनावा होता है, वो सब बताने के लिए आपके पास ये वीडियो लेके आया हूँ। तो एक बार जोरदार तालियां। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि रंग कल्चर में जो उनकी पारंपरिक वेशभूषा है, उनकी बोलचाल है, उनको कायम रखने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को भी इसी रंग रूप में ढालने की भरसक प्रयास वो निरंतर करते आए हैं। तो मुझे धारचूला जाकर ये सीखने को मिला कि अगर हमें अपने कल्चर को आगे बढ़ाना है तो अपने यंगस्टर को अपने साथ जोड़ना होगा। तो आज ये शादी का दृश्य है। तो शादी से एक दिन पूर्व पितृ पूजा की जाती है, उसके बाद आजकल के फैशन में मेहंदी का कार्यक्रम भी अब होने लग गया है। तो दूल्हे के जितने भी रिश्तेदार हैं, महिलाएं, लड़कियां, सभी जो है मेहंदी लगाते हैं। फिर दूसरे दिन शादी। तो अब मैं शादी के दिन का दृश्य दिखा रहा हूं। मैं सभी लोग जो है शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, सभी लोगों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहना है, सभी लोगों ने पगड़ी पहना है। पगड़ी पहनना भी एक कला है, किस तरह से पगड़ी पहनाया जाता है ये इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा। पगड़ी हमारी आन बान शान है, तो पगड़ी को किस तरह से पहनाया जाता है ये ध्यानपूर्वक ये देखें इस वीडियो में। अब सभी लोग जो है तैयार हो गए हैं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, अब बारात प्रस्थान करने को तैयार है।
तो उससे पहले का ये कार्यक्रम। Yeah.
सभी धारचूला से नेपाल की ओर पुल से जा रहे हैं। शादी जो है नेपाल में जा रही है। धारचूला दिखाई दे रहा है यहाँ से नेपाल से। Yeah.
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कलाकार भी है जो साची मन सोर राखो
तो इस तरह रात भर नृत्य करने के पश्चात हम लोग सोने के लिए चल दिए। यहीं पर समाप्त करते हैं आज का ये वीडियो भाग एक। भाग दो कल लेकर आएंगे जब बारात वापस लौट के आएगी। तब तक बने रहे चेचुआ चैनल के साथ। तो की कलाती मजाकार चेचुआ।